लाइन से आओ। लाइन मत तोड़ो। मोटू ये अच्छी आदत नहीं है, थोड़ी देर हो जाए तो चलेगा लेकिन गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, इसमें हमारा ही नुकसान होता है। हमारा नुकसान? ये तो फायदे की बात है। नुकसान कैसे होता है भैया, बताओ तो। तो सुनो, मैं तुम्हें एक सियार की कहानी सुनाता हूँ। एक सियार था, बड़ा ही स्वार्थी और चालाक। कभी भी किसी का अच्छा नहीं चाहता था। वह हमेशा अपना काम बनाने के ही चक्कर में रहता था और किसी भी हद तक चला जाता था। फिर चाहे उसके लिए किसी का कुछ बिगड़ता हो, उसका वह जरा भी नहीं सोचता था। वह अपना काम निकलवाने के लिए लोगों का उपयोग भी करता था। सुनो दोस्तों, अगर हम सभी साथ में वहाँ जाएंगे तो ही सरदार हमारा काम करेंगे। हाँ, तो चलो। सभी जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। सियार सभी को थोड़ी दूर खड़ा रख कर शेर के पास जाता है और उनसे बात करता है। फिर वहाँ से सभी के पास जाकर कहता है, सुनो वे मान गए हैं। मैं कहता था ना कि हम सभी को साथ देखकर वो डर जाएंगे और उन्हें हमारा काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, अब घर जाओ, कोई डर नहीं। अच्छा हुआ हम सब साथ आ गए, अब हमारा काम हो जाएगा। धन्यवाद सियार भाई। धन्यवाद क्यों, यह तो मेरा फर्ज था। इतनी बड़ी भीड़ देखकर उन्होंने मेरा काम करने की हाँ कर दी, मेरा काम हो गया। अब उनका काम हो या न हो मुझे उससे क्या। ये लोग कितने भोले हैं। धीरे धीरे उसकी चालाकियां सब जानने लगे। अब दूसरे प्राणी भी उससे बहुत सतर्क रहने लगे। कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन सियार का मानना था कि अपना काम पहले करवा लेना बहुत ही होशियारी का काम है। इसलिए वह कहीं भी लाइन तोड़कर बीच में घुस जाता था और सभी को डिस्टर्ब करता था। ओहो, यहाँ तो खाना मिलने में बहुत देर लगेगी, कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। ये लोग तो मूर्ख हैं, हर जगह लाइन में खड़े रहते हैं। अरे मेरे जैसा स्मार्ट होना चाहिए। देखो अब मैं क्या करता हूँ। रुको, तुम्हारा नंबर पीछे है। माफ करना मैडम, तुम आ जाए हो, मैं तो कल ही से यहाँ नंबर लगा के गया था। लेकिन कल तो यहाँ कुछ था ही नहीं। मैं कल यहाँ आया था, तुम यहाँ नहीं थे। और ज्यादा बात मत करो, तुम्हें पता नहीं है मैं सही हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, माँ कसम। हमें बनाओ मत, इससे कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ का कानून तोड़ रहे हो। अरे सुनो तो, मुझे बहुत जल्दी है, शाम से पहले राजा के दरबार में पहुँचना है, प्लीज मेरी बात समझो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वरना ये गलत है। और सियार लाइन में से सामान लेकर सियानेपन से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर दूर एक पेड़ की छांव में पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से बैठकर खाता है। देखा कैसे मूर्ख बनाया, वो लंबी लाइन में धूप में खड़े हैं और मैं यहाँ आराम से बैठकर खा रहा हूँ। मुफ्त का खाना ज्यादा खा लेने से सियार का पेट दुखने लगता है और वह पेट पकड़कर भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ दो लोग अपना इलाज करवाने के लिए आए थे और वहाँ बहुत धमाल कर रहे थे। इसीलिए नर्स ने उन्हें अंदर बिठा दिया था। आज मैं डॉक्टर बनूंगा, सबको ठीक कर दूंगा मैं। मैं भी डॉक्टर बनूंगा और सभी को इंजेक्शन लगाऊंगा और ठीक करूंगा। सियार डॉक्टर के पास पहुंचता है। वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और वह बीच में घुसने की कोशिश करता है। सियार भाई,
बीच में नहीं घुस जाना, सभी बहुत समय से खड़े हैं। ओ, मेरा पेट दुख रहा है, मैं आपके पहले यहाँ आया था, डॉक्टर ने कहा बाद में आना। तुम झूठ बोल रहे हो, हम पहले से यहाँ बैठे हैं। बंदर को एक मस्ती सूझती है, वह चींटी के कान में कुछ कहता है। चींटी बहन, सियार भैया बड़े सीधे हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हें पहले जाने दो, देखो उनके पेट में दर्द है। ठीक है, जाओ। ओ, धन्यवाद बंदर भैया, एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। अरे धन्यवाद किस बात की सियार भाई, जाओ और अपना इलाज करवाओ। और देखो जल्दी बाहर आ जाना। हाँ, अभी मैं गया पर अभी मैं आया बहन। अरे डॉक्टर साहब, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा इलाज करो, इंजेक्शन लगाओ, गोली दो। घबराओ नहीं भाई, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, घबराओ मत, मैं हूँ डॉक्टर जोजो। और मैं हूँ डॉक्टर खोखो, हमें 25 साल का अनुभव है, पर हम तुम्हें 25 सेकंड में ठीक कर देंगे, चलो लेट जाओ। डॉक्टर जोजो। हाँ डॉक्टर खोखो। हो जाओ शुरू, ये लो इंजेक्शन। डॉक्टर जोजो, आज बहुत दिनों बाद इंजेक्शन लगाने मिला, बड़ा मजा आया। हाँ डॉक्टर खोखो, और ये गुलाब की गोलियाँ बहुत समय से किसी को नहीं खिलाई थी। जाओ अब तुम ठीक हो। अरे कैसा लगा सियार भाई, इलाज हो गया ना? अब ठीक लग रहा है ना? ये कैसे डॉक्टर है, वे अन्नाड़ी है। अरे मार दिया, बहुत दुख रहा है। अरे डॉक्टर तो अभी आए ही नहीं है। तो वो कौन थे? अरे वो तो पेशेंट है, अपने दिमाग का इलाज करवाने आए हैं। यहाँ बहुत धमाल कर रहे थे, इसलिए उनको अंदर बिठाया था। हे भगवान, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो पहले आकर गए हो ना, और डॉक्टर ने तुम्हें बाद में आने को कहा था, तो हमने सोचा कि तुम डॉक्टर को तो पहचानते ही होगे ना। आज मैं ही मूर्ख बन गया। हे भगवान मदद करो, अब मैं क्या करूं? मोटू, इससे हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थी आदमी अपने आप को होशियार समझता है, लेकिन वह हर जगह व्यवस्था को बिगाड़ता रहता है और वह सभी का अप्रिय बन जाता है। याने मतलबी इंसान, स्वार्थी इंसान। हाँ मोटू, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, यही हमारे संस्कार है, और अच्छे संस्कार ही हमारी अच्छी पढ़ाई है।